मिलाते हैं आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट से मोनिका दत्ता जी। मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे साथ खेलेंगी 10 कदम। थैंक यू। मैं आपको पहले कुछ सुनाना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स नहीं। बीवी हो तो ऐसी में आया पहली बार, मैंने प्यार किया में हो गया और पॉपुलर, साजन में निभाया एक अच्छी खासी रोल, हम आपको कौन बनाया उनको और अनमोल, हम दिल दे चुके सनम ने जीत लिया सबका दिल, प्यार किया तो डरना किया में पूरी हो गई मंजिल, जिस लड़के ने बन गया आज हर लड़की की धड़कन, वो सचमुच मेरा सामने खड़ा मेरा फेवरेट सलमान, इतना खुशी कभी ना मिला, मन में है नहीं गम, सलमान के साथ आज खेलूंगी सनी का 10 कदम। थैंक यू, बहुत ही खुश होते। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। आइए तो हम आपको मिलाते हैं हमारी दूसरी कंटेस्टेंट से, करिश्मा मेहता जी। जी आपके लिए मैंने कुछ लिखा है जो मैं बोलना चाहूंगी। जी एक शायरी है जी, तो आप अच्छा ये आप नीचे बैठ के पढ़ें। नहीं, मैं दीवानी हूँ तेरे नाम की, इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहे हमें आपसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी निगाहों का, हम अकेले तो गुनेगार नहीं। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये आपने मेरी निगाहों पे बिल फाड़ दिया, शुक्रिया। ये सास बहू का खेल है, अब देखते हैं कि सास जीतती हैं या बहू जीतती हैं और कितना प्रेम है दोनों में। प्रेम तो है ही बीच में, बहुत है। हाँ तो खेलते हैं 10 का दम। ये नॉकआउट राउंड है, 5 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जिसको छापने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड। जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं वो हमने एक सैंपल सर्वे द्वारा हमारे देश की आवाम से किए हैं और उनके जवाब मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं का कभी अपने पति को पीटने का मन किया है? मेरी सर के ऊपर कसम खा के आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ के अलावा नहीं बोलेंगे कुछ। आपका कभी मन किया है? मैं बोलूं, मुझे तो बात किया है, उसकी हरकतों की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। क्या क्या गड़बड़? नहीं, जैसे मैं बोलती तो मेरा बात नहीं सुनता तो मुझे गुस्सा आता है। आप इतनी चिक चिक करती होंगी उनके पीछे कि वेंची बोलते हाँ यार आप ही राइट हो, मैं गलत हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, मैं राइट। क्या आपके पति का यहीं पे है ना जी? आपको क्या लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहे। मैं काम के लिए क्या आई हूँ, कलकत्ता से जाना ही पड़ेगा, मैं सलमान से मिल के ही लौटूंगी वरना लौटूंगी ही नहीं। मैंने कह दिया था कि अगर प्रपोज आप करते हो सलमान खान को, अगर वो हाँ बोल देते तो उनसे एक्सचेंज ऑफर ले लेंगे, आप मेरी ले लो, अब उनकी ले लूंगा मैं। दस सेकेंड है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। करिश्मा 44%, मोनिका जी 67%। देखते हैं कितने भारतीय महिलाओं का मन अपने पति को पीटने को करता है। नीचे,
Jackson. करिश्मा जी, one, congratulation. मोनिका जी, क्या करनी है? एक अच्छे से क्वेश्चन दो ना. जी देता हूँ, अभी देता हूँ आपको. अच्छा क्वेश्चन देता हूँ. कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हाथ से धुले कपड़े मशीन में धुले कपड़ों से ज्यादा साफ होते हैं? मैं तो बहुत सोचते हैं ऐसा. जी तो आप अपने पति के कपड़े धोती हैं? नहीं. क्यों? मुझे काम करना इतना अच्छा नहीं लगता. काम करना इतना अच्छा नहीं लगता? नहीं. घर पे? जी घर पे. अभी कर रही हूँ लेकिन पसंद नहीं. पसंद नहीं? दादीमा, आप अभी भी कपड़े? कपड़े तो बहुत सारे धोया लेकिन मेरा मशीन का धोना पसंद है. थोड़ा हाथ में घिसने से अच्छा होता है. आजकल की तेज रफ्तार की जिंदगी में वक्त किसके पास है? मशीन में धोना सबसे अच्छा है. क्या घर में बैठे ऐसे और कपड़े अच्छा नहीं लगता? चल रहा है वो. तुम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर वो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है. शादी कब करोगे? देखो उम्र हो गया और मेरा जो सानी लो आ गया ना. करूंगा वो आप ही. 19 दिसंबर को तो आपका ही तो यही तो बर्थडे है. 67 तो शादी कर लो. एक बार माँ बोल दिया ना तो मैं पीछे पड़ा रहूं. जी हाँ, मेरी दो माँ घर पे भी बोल रही है यही बात बोल रही है आज के लिए. सलमान आई एम रेडी. हाय राम राम. राम राम भाई. आप मेरा इधर काम ना. अरे मेरा भाई पहले मुझे छोड़ दो. हाय, I'm really crazy for you. Always, always ladies. Always ladies first, ladies. नहीं ऐसे होगा, ऐसे होना चलेगा. ना अभी तो लड़की है. अरे तो पहले. नहीं, मेरे साथ रहेंगे ना? आपके साथ क्यों रहेंगे वो? हाँ, कैसी हैं रोजी जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. क्या करती हैं? पढ़ती हैं, लिखती हैं, क्या करती हैं? मैं SRC एविएशन में जॉब करती हूँ एज अ एयर होस्टेस और ऑपरेशंस ऑफिसर. एक सेकंड रोजी जी, अब मैं आता हूँ. हाँ, क्या कह रहे थे आप? भाई मैंने कहा हाथ मिलाया था. बात ना, मिले भी मिल लो, चलो आ जाओ. इतनी दूर भाई? वाह यार, कहाँ से हो आप? रिठाड़ा एक गाँव है दिल्ली में. मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है. अच्छा. और गला इसलिए मिलना चाह रहा था आपके, इतनी दूर हाथ मिलान तो आना रहा. ठंडक जब पड़ेगी जब छाती तो छाती बिट जाएगी, गांव में ऐसा कहते हैं. अच्छा. अब एक बार जय महाराष्ट्र. अब ये है रोजी सिंह जी और ये है मिस्टर मनीष भरद्वाज. एक दूसरे को नॉकआउट करेंगे इस नॉकआउट राउंड में. और पहला प्रश्न ये होगा आप दोनों के लिए, कितने प्रतिशत भारतीयों का पैर गोबर में पड़ चुका है? आपका घर में हमने पाल रखे हैं गाय भैंस, तो कहाँ करेंगी बाहर? तो इतनी समझदार हुई ना, बाहर जाकर करके आ जाएंगे. तो गांव में घर नहीं करते हैं तो उठाऊंगे, हाथ भी लगेगा पैर भी लगेगा. हमारे ही पड़ चुके हैं गोबर पे. लेकिन मैडम हवाई जहाज में उड़ती है ना, तो मिट्टी में पड़ जाओ ही बहुत. हाँ नहीं पड़ा नहीं, बट मुझे लगता है आप जिस तरह एक्साइटेड थे आपका पड़ चुका है. नहीं गोबर में क्यों? अगर आप हमारे यहाँ पे समुद्र पे चले जाओ और अगर आप ध्यान से चलो नहीं तो इंसान के गोबर भी पड़ जाता है. और फिर इंसान चेक करता है. दस सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. आप दोनों बहुत पास पास हैं, 70% रोजी जी आप और मनीष 74%. आपको ऐसा लगता है कि 74% तक के लोगों का पैर गोबर में पड़ चुका है? हाँ जी, क्योंकि दिल्ली में गांव तो है ही है जी, शहर में भी गाय वाय वैसे घूमती रहे तो वही बात है, करेंगी तो सबका ही लगभग पड़ता ही रहा. क्राउड इतना है लोग बागों का पड़ना. आजकल के आप जो देखे आदमियों को नाक ऊपर तो ऐसे चलेंगे तो खान साहब वो वाली बात है. आजकल लड़का लड़की एक दूसरे में इतने खोए रहे हैं, देखेंगे चलना ही पैरों पर. तो आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीयों का पैर गोबर में पड़ चुका है. आइए आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय ने सफर के दौरान खिड़की के पास वाली सीट के लिए झगड़ा किया है? होता ही है
मेरे साथ तो होता ही है, मैं तो हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पे बैठूं। लेकिन खिड़की तो खोल नहीं सकते प्लेन में ना। हाँ। तो फिर अब मुझे समझ आता है कि ट्रेन में जा रहे हैं और दिन भर लोग मेहनत करने के बाद वो सब पसीने वसीने से बचने के लिए वो एक खुली हवा जो आती है ट्रेन की या गाड़ी की खिड़की नीचे कर सकते हैं। गाँव में तो लोगों ने ट्रिक भी ढूंढ रखी है। ताऊ जी हमारे यहाँ अगर बस बस में जाना पड़ जाए उन्हें तो सीट अब फुल हो ना मिलेगी तो यूं करने लग जाएंगे लोग बाग अपना भाई खिड़की तब आ जा खिड़की पे आ जा खिड़की पे और बैठे पीछे आज तक कुछ नहीं हुआ। चलिए आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखें मनीष भरद्वाज के ताऊ जी जितने कितने लोग हैं जो कि खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं। बस ज़्यादा भाई, बस ऊपर 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 ज़्यादा भाई, जीतना पड़ेगा भाई, नीचे कर दो बोलो ऊपर ऊपर कर दो नीचे बस। 79% उन्होंने कहा, आपने कहा 51, 43% आप जीते। स्कोर हुआ 1-1। पहला गार्ड दिया भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि सुड़ सुड़ करके चाय पीने से उसका स्वाद बढ़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा ना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गाँव में यूं कहे बिना आवाज आए तो कहे का भी मजा ना। अच्छा एक बार कोई भी काम ले लो आवाज आनी हर चीज में जरूरी है, इसलिए चाय ने भी लगा लो मेरे हिसाब से। चाय बहुत गर्म भी देते हैं खान साहब, वो वाली बात है एक मजा लेने वाली आदत। करेक्ट है। आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। रोजी जी 64%, मनीष भारद्वाज 57% जी। आए देखते हैं कि सुड़ सुड़ करके कितने प्रतिशत भारतीय चाय पीते हैं। भाई